अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। हाँ जी, सवाल कल एक दिया था। कल वाले कॉन्सेप्ट्स में कोई एतराज, परेशानी, सवाल? हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल के लिए, और इस क्लासिफिकेशन के लिए हम फॉर एनी गिवन ईयर बात कर रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि जिसकी कॉस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसकी कोर एक्टिविटी बताओ। वो कॉस्ट जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से है वो वेरिएबल है, जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से नहीं है, टाइम पीरियड से है, वो फिक्स्ड है। और जो फिक्स कॉस्ट है ये अमाउंट तय ही कोट ही टोटल फॉर अ पीरियड होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट एक रेट की शक्ल में तय होती है। रेट मतलब कोई पर यूनिट, पर किलोमीटर। यहाँ तक कल बात की थी। अच्छा, दूसरी क्लास में ना कुछ बच्चों के सवालों से आइडिया हुआ, मुझे लगा यहाँ पे जाके भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैंने शायद कहीं पर एक कल जो सवाल कर रहे थे उसमें एक बात लिखी होगी कि लेबर की वेज है रुपीज़ इतने पर आर, ये सिर्फ वेरिएबल और फिक्स्ड वाले सवाल में, या जो कल वैल्यूज़ वाला सवाल गया था उसमें लिखा ये पॉइंट पहले वाले में भी था, दोनों में था ना? हाँ। इसमें दूसरी क्लास में एक बच्चे ने सवाल ये किया कि ये भी तो रुपीज़ पर आर है, तो रुपीज़ पर आर, रुपीज़ पर मंथ, रुपीज़ पर ईयर है तो टाइम से रिलेटेड। नहीं, सवाल नहीं समझे। मैंने आपको जब फिक्स वेरिएबल का एक बेसिक सवाल कराया था ना, जिसमें आप लोगों ने फैसला करना था कि ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, मैंने उसमें एक मिसाल बताई थी कि स्किल्ड लेबर की वेज है रुपीज़ 700 पर आर, इसको वेरिएबल कहा था हमने। तो एक सवाल ये था कि ये भी तो रुपीस पर आर एक टाइम ही चीज होती है यार, तो फिर अगर रुपीस पर ईयर, रुपीस पर मंथ को हम फिक्स्ड कह रहे थे तो फिर रुपीस पर आर को फिक्स्ड क्यों ना कहें? सवाल समझे? सवाल में इस हद तक तो दम है कि ईयर, मंथ, आर है तो टाइम ही, लेकिन बात यह है कि जो पर आर कह के पैसे तय होते हैं ना, ये उन लोगों के तय होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। ये हम ना लेबर में एक चीज़ पढ़ेंगे, लेबर पढ़नी है, ये तकरीबन कहीं दिसंबर में हम एक चैप्टर पढ़े होंगे लेबर। लेबर के साथ जो वेज का रेट तय होता है, होता काम का है, यानी जितना वो काम करेंगे। हाँ, वो दो शक्लों में हो सकता है, या वो रुपीज़ पर यूनिट तय हो जाता है या रुपीज़ पर आर तय हो जाता है। और रुपीज़ पर आर तय होने का मतलब होता है कि 700 रुपीज़ पर आर इंटू टोटल तक पहुंचना है, तो जितने आर्स वो काम करेगा, ज़्यादा आर्स काम करेगा ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, कम आर्स काम करेगा कम पैसे मिलेंगे। तो ये सिर्फ एक नॉर्म है वेज रेट तय करने का, है ये वेरिएबल ही चीज़। जिस खर्चे को हम पर आर कह के तय कर रहे हैं ना, वो वेरिएबल ही है। जो इंश्योरेंस है साल की, वो तो साल ही है, उसका ताल्लुक टाइम पीरियड साल से है। और जो तनख्वाह अगर पर मंथ है तो पर मंथ है, तो क्या साल में 12 महीने ही होने हैं ना? तो पर मंथ वाली फिगर, पर ईयर वाली फिगर, ये पीरियड रिलेटेड है और ये फिक्स्ड ही है। लेकिन जो वेरिएबल चीज़ें थी उनमें से हो सकता है कि रुपीज़ पर केजी कह के दी हो, को रुपीज़ पर यूनिट कह के दी हो, को रुपीज़ पर आर कह के दी हो, ये वेरिएबल ही है। पर डे डिपेंड करता है। देखें, जितनी मैंने मिसालें कल देखी बताई थी ना,
ये मैंने वो मिसालें बताई थी जो पक्की पक्की वेरिएबल फिक्स समझ आती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको फिक्स वेरिएबल कहने के लिए उनकी और इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ती है। तो अगर किसी के साथ पर डे तय हुआ है तो देखना पड़ेगा कि उसकी और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए शायद ये थोड़ी सी जल्दी है ये बात, अभी अभी आप फिक्स वेरिएबल दिमाग पक्का कर लें तो फिर ही इस तरह की चीज़ें हैंडल हों, ये ना हो कि भी कच्चे कच्चे में वो उखाड़ दें कदम। तो इसलिए इसको मैं जवाब अभी नहीं दे रहा जी। पता नहीं, इससे शायद कोई और मतलब भी ना किसी और पे अप्लाई हो जाए। बात यह है कि जिस खर्चे का ताल्लुक एक्टिविटी से नहीं है, एक्टिविटी कम है ज्यादा है नहीं है, इससे ताल्लुक नहीं है, बस टाइम पीरियड से ताल्लुक है, तो ये फिक्स्ड है। अब आपने जो बात की है, हाँ वो भी लग तो रही है इस पे ऐसी, ठीक है। कल वाले से रिलेटेड सवाल है जी, पॉइंट फोर कौन सा? होमवर्क वाला, होमवर्क का पूछ रहे हैं? हाँ वो करता हूँ बोर्ड पे, वो करता हूँ, वो देखते हैं ना कि क्या उसमें मसले रहे, वो कर रहा हूँ बोर्ड पे। जी पेंशन तो आपके लेवल की चीज़ ही नहीं है, ये तो आई 19 पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, ये तो एक बहुत ऊंची चीज़ है। लेकिन ये असल में इसकी कैलकुलेशन एक बहुत डिफरेंट चीज़ है ना, उसको फिक्स वेरिएबल से भी समझा नहीं सकता मैं आपको। वैसे ये फिक्स चीज़ है, वैसे फिक्स्ड है पेंशन। अच्छा वैसे तो आप क्योंकि खुशी की बातें होती है ना वो फिर छुपती नहीं है, वैसे तो आपके दोस्तों यारों ने आप तक पहुँचा ही दिया होगा, तो खुशी की बात यह है कि कल मेरा पुट्ठा मारने का मूड है तो कल मैं नहीं आ रहा कॉलेज। ये असल में जो पहला महीना होता है ना, ये मेरा ओवरलैपिंग का होता है। अब मैं तकरीबन 15 घंटे कॉलेज में गुजार रहा हूँ, तो मैं रात 10 बजे क्लास ख़त्म कर गया हूँ यहाँ से, और फिर घर जाके वो रिपोर्टिंग पढ़नी भी थी। तो कुछ अरसे बाद ना एक पुट्ठा मारना पड़ता है ज़रा एनर्जी वापस लाने के लिए, तो वो कल मेरा मूड है पुट्ठा मारने का, तो कल क्लास नहीं है आपकी, है मैं? नहीं वो सीट फैम नहीं पढ़ाते ना, उनको कैसे कह दो। कल जो सवाल दिया था बल्कि टोटल कहने की क्या जरूरत है, जी बताएं क्या क्या आइटम्स थी? स्टाफ की सैलरी थी कितनी थी? 50,000 पर मंथ। फिक्स वेरिएबल? फिक्स्ड है। कितनी हो गई? 600,000। और फ्यूल कॉस्ट क्या थी? ये 20 पर, तो ये वेरिएबल चीज है। इनटू, अब ये 20 पर लीटर है तो इनटू 4500 लीटर्स कितनी? 90,000 लीटर्स। फिर लेबर की वेजेस कितनी थी? 400 पर आर इनटू कितने आर्स? 2700 आर्स। वेरिएबल चीज है ये 1080। और डेप्रिसिएशन 20% ऑफ कॉस्ट, ये फिक्स्ड है वेरिएबल है? फिक्स्ड है। कितनी? 15 लाख। कितना आ गया? अच्छा ये भी कल एक स्टूडेंट ने वहाँ सवाल पूछा था, आपको भी बता देता हूँ कि मैंने सवाल में स्ट्रेट लाइन कितना है? 3 लाख।
मैंने सवाल में स्ट्रेट लाइन मेथड दिया था, तो अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो वो भी फिक्स्ड होता। हमने फिक्स्ड और वेरिएबल का फैसला इस तरह करना है कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या है, नहीं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फॉर द ईयर। देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, लेट से 20%, तो 20% रेट क्या है, 20% पर ईयर। जब बुक वैल्यू पे लगा लेते हैं तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। तो चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, डेप्रिसिएशन एक फिक्स्ड कॉस्ट है। हाँ अगर यूजेज मेथड है, आवर्स मेथड, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड, फिर डेप्रिसिएशन वेरिएबल है। इसके बाद क्या था, इंश्योरेंस थी कितनी, 120,000। और कमीशन 5% किसका, सेल्स का। थ्री फिफ्टी और रॉ मटेरियल कितना था, 300 पर यूनिट इनटू 3,000। वेरिएबल है फिक्स्ड है, वेरिएबल 9 लाख। और इन आइटम्स में से किसी पे कोई एतराज कंफ्यूजन है तो पूछें जी। सेल्स कमीशन पे क्या एतराज है, कमीशन एक एक्सपेंस ही है ना। हाँ हाँ नहीं नहीं तो मैंने कब कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, बस टोटल एक्सपेंस है। और किधर कौन क्या जी, डेप्शन पे क्या एतराज है, मैं पूछ रहा हूँ बेटा एतराज इस पे बताए ना। आप कह रहे हैं डेप्रिसिएशन फिक्स्ड में क्यों लिखी है, मैं पूछता हूँ वेरिएबल में क्यों लिखते। देखिए आपको एतराज है ना फिक्स्ड में क्यों लिखी है, तो आपको लग रहा होगा कि वेरिएबल में लिखना चाहिए। कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से अच्छा ये एक सवाल है और मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा ये सवाल, पता नहीं किसी को समझ आया ना आया हो, लेकिन ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपको सवाल दोहराता हूँ। ठीक है यार शाबाश, बड़ा अच्छा सवाल है, हो सकता है मासूमियत में पूछा हो आपने लेकिन सवाल बड़ा कमाल है। सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन किधर गई, ये 20% ऑफ कॉस्ट है तो इसको फिक्स्ड में क्यों लिखा है, कमीशन भी तो सेल्स का 5% है इसको वेरिएबल में लिख दिया, मतलब वो भी एक अमाउंट पे परसेंटेज लग रही है, वो भी एक अमाउंट पे परसेंटेज लग रही है। सेल्स ज़्यादा होगी तो कमीशन ज़्यादा हो जाएगी, तो प्लांट की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा ही आ जाएगी। अच्छा देखें मैं फिर पहली बात पे वापस आता हूँ, हम जब ये वेरिएबल फिक्स का फैसला कर रहे हैं ना क्लासिफिकेशन किसी एसेट किसी डिपार्टमेंट किसी इंडिविजुअल के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा उसकी कोर एक्टिविटी क्या है, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसकी कोर एक्टिविटी क्या है। अगर हम यहाँ पर कमीशन की बात कर रहे हैं तो ये यकीनन सेलिंग का खर्चा है, अब उस सेल्स डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी चीज़ें बेचना है, तो चीज़ें ज़्यादा बेचते इस साल तो कमीशन ज़्यादा आ जाती, चीज़ें कम बेचते तो कमीशन कम होती, ये वेरिएबल है। अब एक डिपार्टमेंट में जो एसेट्स हैं वो तो हैं, हम देख रहे हैं उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था। देखें एक डिपार्टमेंट है जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं कटिंग कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के हम वेरिएबल फिक्स का फैसला करने लगे तो उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कटिंग का काम हो रहा है
तो एक्टिविटी है कि कटिंग का काम होना। अब ज्यादा देर काम होगा तो ज्यादा खर्चा आएगा, कम देर काम होगा तो कम खर्चा आएगा। अब वो जो उस डिपार्टमेंट में दीवारें एसेट्स हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, वो तो कोर एक्टिविटी नहीं है ना। तो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो वेरिएबल है। इस तरह तो आप हर चीज के बारे में, जैसे ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, अगर 10 बंदे और रख लेते तो, 15 और रख लेते तो, 50 और रख लेते तो चेंज हो जाती ना। इसी तरह से और क्या है जी, इंश्योरेंस, ये फिक्स्ड है, अगर 20 एसेट्स और इंश्योर करा लेते तो, 40 और इंश्योर करा लेते तो सब कुछ ही बढ़ जाता। रेंट फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, तो अगर 3 बिल्डिंग और किराए पे ले लेते, फिर 4 और ले देते। इस तरह से नहीं है मामला। हम फॉर अ ईयर ये देख रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट की, जिस एसेट की, जिस इंडिविजुअल की फिक्स्ड और वेरिएबल देखना चाह रहे हैं उसकी कोर एक्टिविटी क्या है। जो खर्चा उस एक्टिविटी से लिंक है वो वेरिएबल है, और जो उस एक्टिविटी से लिंक नहीं है वो वेरिएबल नहीं, फिक्स्ड है। और इनमें बताएं इतराज। अच्छा, इसमें एक हौसला ये भी रखिएगा कि कॉस्ट की हर क्लास के अंदर हर चीज एब्सोल्यूट क्लियर हो जाएगी, नहीं, कई चीजें वक्त के साथ साथ बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये काफी हद तक आपको क्लैरिटी आ गई है तो ये बड़ी अचीवमेंट है। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं बीच में कुछ कच्चा कच्चा है तो बात नहीं बनी, नहीं, ओवर द पीरियड, अभी ये जो मैंने वेरिएबल फिक्स कॉस्ट बताई है, पूरे कॉस्ट के अंदर वेरिएबल फिक्स के वर्ड आप बार बार देख रहे होंगे, ये चीजें और इंप्रूव होने लग जाएंगे। अभी कोशिश तो कर रहा हूं, आप पूछें सवाल, लेकिन मायूसी नहीं हो, आप पूछते जाएं और जितना मुझे लगेगा कि हाँ इतना नॉलेज जो आप तक पहुंच गया है मुनासिब है तो उस पर सब्र शुक्र भी करना, परेशान नहीं होना ज्यादा। हाँ जी, जासूसी कर रहे थे आप, कैसे पता दूसरी क्लास में क्या लिखा? अच्छा, कल उतर से आप, अच्छा, क्या पॉइंट? नहीं, मैंने उससे पहले असल में कह दिया था ना, कल जो पिछला सवाल मैंने लिखवाया था उसमें डेप्रिसिएशन 2 तरह की नहीं थी, तो मैं इस क्लास में ना कल ये बात पहले कर चुका था, उस क्लास में वो होमवर्क में की थी, और यहाँ पर वो असल में वो टेप रिकॉर्डर नहीं है ना, मैं मेन चीज़ें याद रखता हूँ कि दोनों सेक्शन में मेन चीज़ें क्या बतानी है, अब उनका तरीका थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो ये बात बता दी थी सेक्शन में कल। और टोटल करना है तो उनका टोटल कर लेते हैं। टू फोर टू जीरो वन जीरो, और टोटल टोटल है तो इनका टोटल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है ना प्लांट जी। मैं मिसाल नहीं समझा, एक कंपनी से एग्रीमेंट किया हमने, यानी हमने एक कंपनी से कहा है कि आपसे हमने मटेरियल खरीदने हैं और हर साल बराबर खरीदना है। हाँ, इसी तरह से लेबर भी हो सकती है कि हमने कहा जी हर साल आप पैसे तो आपको 500 पर आर देंगे लेकिन हर साल आपसे हम बराबर काम लिया करेंगे, ये कह रहे हैं आप। अच्छा जी, ये वैसे अगले चैप्टर्स में आ जानी है बात, लेकिन अभी सवाल पूछ के ऐसे बता देता हूँ। सवाल ये पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो वेरिएबल चीज़ें हैं वो भी हर साल टोटल बराबर रह रही हों। जैसे अगर हमने वर्कर को कहा है कि तुम्हें 500 पर आर वेजेस मिलेंगी और हर साल उससे हमने तय किया हुआ है कि इससे काम बस 10,000 घंटे लेने, ना इससे कम लेना ना ज़्यादा लेना, तो क्या फिक्स हो जाएगा? नहीं, ये वेरिएबल ही है, वो तो हमने अपनी आसानी के लिए टाइम तय कर लिया कि बस इतने ही घंटे काम लेना है इससे, वो हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसा कर लिया, वरना कम ज़्यादा हो सकता था ना। हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए तय कर लिया कि बस सिर्फ 2,000 घंटे काम लेना है इससे, सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए, वरना ये है बाय नेचर वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पर ना कैलकुलेशन के एतबार से ये जो चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट की हैं, आपने पूछा नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब ने ये कैलकुलेशन सही की है।
फिर भी मैं आपको एक एहतियातन बात बता रहा हूँ जो हो सकता है आपको बिल्कुल बच्चों वाली लगे, लेकिन हो सकता है कि क्लास में कुछ उससे भी छोटे बच्चे हों, कि मैंने तो सबको लेके चलना है। एक बात बताने लगा हूँ जो अभी शायद आपको यूजलेस लगे, सर इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन आगे चल के कॉस्ट अकाउंटिंग के सवालों में बाज़ औक़ात मुश्किल में फंस जाया करेंगे कि मल्टीप्लाई करना था कि डिवाइड करना था, किसको किससे मल्टीप्लाई करना था, इसमें प्रॉब्लम हो जाती हैं बाज़ औक़ात। तो उसके हवाले से एक बिल्कुल बच्चों वाली बात सुन लें, अगर आपको पहले पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चलो अब पता चल जाएगी। 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, जबरदस्त यार, पता है आपको। 2 केजी प्लस 3 किलोमीटर, नहीं हो रहा हो? नहीं हो रहा। अच्छा जी, 5 केजी। अच्छा, अब ये जो यहां पर काम कर रहे हैं, आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब भी हम कुछ नंबर्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वही सलूक उनके इन मेजरमेंट यूनिट्स के साथ भी हो रहा होता है। जैसे वेजेस 400 रुपए क्या हैं? ये क्या है 400 रुपीज पर आर। आगे 2700 क्या है? आर्स। जब 400 को 2700 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो असल में हो ये रहा है कि आर्स आर्स कैंसिल हो गए और आंसर जो बचा 1080 ये रुपीस था, इसलिए यहां पर ये रुपीस आ गया। तो अगर हमने 400 और 2700 को मल्टीप्लाई किया तो इनफैक्ट ये भी आपस में मल्टीप्लाई हुए और आर्स आर्स कैंसिल हो गए, पीछे रुपीस बच गया। इसी तरह से ये मटेरियल का 300 क्या था? मटेरियल का 300 था रुपीस 300 पर यूनिट, इनटू 3000 क्या है? यूनिट्स। तो चूंकि ये रुपीस पर यूनिट था, इसको 3000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट यूनिट कैंसिल होकर आंसर रुपीस में आएगा। इसी तरह से यहां नहीं है वैसे बता रहा हूं, अगर पेट्रोल का रेट है 50 रुपए पर किलोमीटर, 50 रुपए पर किलोमीटर, और हमने गाड़ी में 3000 लीटर पेट्रोल डलवाया तो इनटू 3000 कर दो, 3000 लीटर पेट्रोल, तो ऐसे कर दो? नहीं, ऐसे करने से आंसर आ जाएगा रुपीज लीटर पर किलोमीटर, तो एक अजीब सी चीज बन जाएगी ना। तो हमें अगर रुपीज पर किलोमीटर है तो इनटू किलोमीटर ही करना है, तभी ये कैंसिल होकर रुपीज बचेगा। तो हम जो भी काम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं अमाउंट्स के साथ, वही काम उनके इन मेजरमेंट यूनिट्स के साथ भी हो रहा होता है। ये बात याद रख लें, आगे कुछ चैप्टर में चल के कन्फ्यूजन आ जाएगी तो फिर ये जो आज बताई थी बात बचपन में आपके, ये तब काम आएगी। अच्छा, ये 7,005%, ये क्या हो रहा है? 5% जस्ट एक रेशियो है, ये रुपीज यूनिट लीटर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नंबर है 5%, इनटू 7 मिलियन क्या है? रुपीज। तो इसलिए जो आंसर आ रहा है 3.5 लाख, ये क्या है? रुपीज। जी टोटल कॉस्ट बन गई, मैंने बस एक्सपेंसेस बताए थे। फोटोकॉपियर से नोट्स लाने को कहा था।
इसमें क्वेश्चन नंबर एट में आए, क्वेश्चन नंबर एट। आखिर में इन नोट्स में आखिरी सवाल, ये आप ट्राई करें, शाबाश। अभी सारे लोग सॉल्व करें खुद ही, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी है। पहले सोल्यूशन नहीं देख लेना, पहले खुद ट्राई करिए। हाँ, एक हिंट जरूर बता देता हूं आपको, इसमें सवाल में जो आखिर में एक लिस्ट दी हुई है खर्चों की, ये टोटल कॉस्ट फॉर द पीरियड है। हो सकता है इनमें से पूरे के पूरी वेरिएबल हो सकता है कि पूरी की पूरी फिक्स्ड हो सकता है कि इसमें से थोड़ा सा पोर्शन फिक्स्ड हो, थोड़ा सा वेरिएबल हो। जैसे मैंने कल आपको एक इक्वेशन टाइप फार्मूला लिख के दिया था कि टोटल कॉस्ट में दो चीज़ें हैं, वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है। फिर वेरिएबल टोटल कैसे निकालना ये भी बताया था, पर यूनिट इनटू आगे यूनिट्स। तो ये जो नीचे लिस्ट दी हुई है, हो सकता है इनमें सिर्फ वेरिएबल हो सकता है सिर्फ फिक्स्ड हो सकता है दोनों छुपे हुए हों, ये अब आपने ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर एट करिए सॉल्व।
अच्छा वो पेजेस शायद मेरे ख्याल में आगे पीछे ना किसी के स्टेपल हुए हों, क्वेश्चंस भी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं। अगर कोई सॉल्यूशन को देख रहा है कि इसका मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊं, तो वो क्वेश्चन को देखे, ऊपर पेज की हेडिंग्स भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हैं कौन से सॉल्यूशन हैं। फिक्स में वेरिएबल में नहीं, क्वेश्चन में के सॉल्यूशन में क्या इतराज है इस पे? नहीं तो मैंने कहा है कि इसमें हो सकता है फिक्स भी हो, मैंने कहा तो है। कुछ और भी फिक्स नेचर के मजदूर भी हो सकते हैं, उनकी भी वेजेस हो सकती हैं। हाँ जी, इतनी देर में हो जाना चाहिए था। हाँ जी डन, तो डिस्कशन करूँ शुरू। अच्छा एक हौसला बढ़ाने के लिए एक बात सुन लें, इस क्लास में बैठे हुए भी और ये जो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं वो भी, आप में कुछ बच्चे ऐसे होंगे
कुछ लोगों की शक्लों से अंदाज़ा हो रहा था कि काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे। जो क्लास में दिए हुए काम को करने की जहमत नहीं करते, बल्कि जहमत का वर्ड ज़रा नेगेटिव हो गया, कोशिश नहीं करते क्योंकि उनको लग रहा होता है उनसे नहीं होगा, वो कहते हैं रहने दो सर करेंगे तो देख लेंगे या पीछे सॉल्यूशन देख लेंगे। बेटा ये जो आपकी सोच होगी ना, ये आपको बहुत ही बैकफुट पे ले जाएगी क्योंकि आप कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं कर रहे होंगे। हालांकि देखें, अगर अभी आप सवाल, सबसे बात कर रहा हूं मैं, पीछे बैठे हुए लोगों से भी, अगर आप अभी सवाल करने की हिम्मत कर लें तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो अगर आप अभी सवाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि नहीं गलत नहीं करना, हमसे नहीं हो रहा छोड़ दो, सर बताएंगे तो समझेंगे, फिर बेटा पेपर में जाके नहीं आएगी हिम्मत। तो अभी आप चाहे स्क्रीन के पार बैठे हुए हैं चाहे क्लास में बैठे हुए, मेरे बच्चों सवाल किया करें, जैसे तैसे भी कोशिशों किया करें। रजिस्टर खराब हो जाएगा, पेज जाया हो जाएगा ना, यही मसला है ना, तो वो जाया नहीं हो रहा होगा, ये सब आपकी मेहनत में शामिल हो रहा होगा। तो जो भी सवाल करने को कहता हूं यार, किया करें उसको सॉल्व, जैसे मर्जी कोशिश करें लेकिन स्टार्ट जरूर किया करें। सेल्स फाइन करनी थी टोटल, कैंटीन वाले एम्प्लॉयज को खाना बेचते हैं, मील एक खाना, और प्राइस रखी हुई है 30 रुपए पर खाना। टोटल साल में 77,500 खाने बेचे तो टोटल सेल्स कितनी हुई, 77,500 × 30, ये सेल्स हो गई। अब उसके बाद जो खर्चों की डिटेल है, उनमें सबसे पहले एक चीज़ है फूड कॉस्ट, के वो खाना खुद कितने का कॉस्ट कर रहा है, तो वो एक खाना 12.6 का कॉस्ट करता है, तो टोटल तक पहुंचना है तो 12.6 × 77,500। उसके बाद है वेजेस, 8.7 पर खाना, टोटल तक पहुंचना है तो 77,500, और ये दोनों चीज़ें चूंकि पर खाना है तो ये वेरिएबल है। तीसरी चीज़ डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड है। फिर यूटिलिटीज, इसमें कहा हुआ है कि इसमें जो वेरिएबल पोर्शन है वो 6% ऑफ सेल्स है, तो सेल्स की अमाउंट से 6% मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल आ जाएगा। फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस है वो भी ऐसा ही है, वेरिएबल पोर्शन है कुछ उसका 3% ऑफ सेल्स, सेल्स पे 3% लगाएंगे वो अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद इंश्योरेंस है, ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल और फिक्स्ड में तमीज हो गई। यहां तक तो वेरिएबल फिक्स्ड अलग अलग पता चल गए, लेकिन इस सवाल का ट्रिकी पॉइंट ये था कि आपको नीचे एक्सपेंसेस की टोटल फिगर्स भी बता दी। अगर वो टोटल फिगर्स ना बताते तो फिर जैसे ऊपर कैलकुलेट करते हुए वेरिएबल फिक्स्ड अलग अलग किया है, ये वहीं का सवाल पूरा हो जाता। टोटल फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि क्या जो ऊपर लिखे हैं, क्या वो आइटम्स जो वेरिएबल कही हैं, क्या वो वाकई सिर्फ वेरिएबल है या उनके नाम पे कुछ फिक्स्ड पोर्शन भी है। जैसे मैंने कल मिसाल दी थी कि सेल्समैन को अगर सैलरी दे रहे हैं लेट से 40,000 पर मंथ प्लस 5 रुपए पर यूनिट, तो उसको फिक्स्ड पोर्शन सैलरी भी मिल रही है और वेरिएबल पोर्शन भी मिल रहा है। तो इसी तरह से वेजेस वालों को हो सकता है ऐसा ही कुछ तय किया हो सकता है वर्कर्स को कहा हो कि आपको हम 8,000 रुपये पर मंथ प्लस इतने रुपए पर यूनिट दिया करेंगे, तो वो जो 8,000 पर मंथ होगा वो फिक्स्ड होगा। तो ये चीज उन गिवन टोटल से कंपेयर करके चेक करनी पड़ेगी। जैसे आपको जो फूड कॉस्ट लिखी मिल रही है 976, तो ऊपर आप 12.6 को जब 77,500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी ही आती है, इसका मतलब ये तो वाकई पूरी वेरिएबल है। लेकिन जब आप वेजेस चेक करते हैं तो फिर लाख रुपए और भी आ रहे हैं, ये फिर कोई एरर नहीं, ये फिर फिक्स्ड हो गए। इसी तरह से यूटिलिटीज, इसी तरह से मेंटेनेंस, और बाकी डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस तो वो तो उसने कह ही दिया है कि ऑल फिक्स्ड है। तो ये हो गए वेरिएबल और फिक्स का टोटल, ये पूछा हुआ था, कोई एतराज परेशानी? अभी मैंने बीच में ही मिसालें दे दी, कल मैंने हेडिंग दी थी वेरिएबल फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, तो ये जो बीच में एक दो मिसालें दी है ना, जैसे मैंने सेल्समैन की बात की है, इनको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इस सवाल की अगर बात करूं तो इसमें से वेजेस, यूटिलिटीज और मेंटेनेंस, इनको सेमी वेरिएबल कहा जाएगा, इनको सेमी वेरिएबल कहा जाएगा। इस सवाल में वेजेस, यूटिलिटीज और मेंटेनेंस, इनको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसमें से कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है, उसको सेमी वेरिएबल कहते हैं।
अच्छा सेमी वेरिएबल है तो उसका एक तीसरा कॉलम बनाऊं? नहीं, सेमी वेरिएबल का मतलब है कि उसमें कुछ ये पोर्शन होगा कुछ ये पोर्शन होगा, थोड़ा उसको वेरिएबल फिक्स में ही जाएगा लेकिन उसमें दोनों पोर्शन शामिल होंगे, उसको सेमी वेरिएबल कहते हैं। सेमी वेरिएबल को तीसरा कॉलम नहीं होगा, सेमी वेरिएबल वो होगा जिसमें यहां भी एक फिगर आ रही है और यहां भी एक फिगर आ रही है, उसको हम एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। यानी वो बोलने में बस एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वरना वैल्यूज निकालने में उसके दो टुकड़े ही करने पड़ेंगे, फिक्स टुकड़ा अलग वेरिएबल टुकड़ा अलग, तो इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर? एक और कॉस्ट है जो है फिक्स्ड ही लेकिन उसका एक नाम और उलमा ने बना दिया, वो ये कि वर्कर्स को देखने के लिए कि सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, सुपरवाइजर रखे होंगे। फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स्ड है, सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स्ड है, क्योंकि अगर वो 20 लोगों पे एक सुपरवाइजर है तो अगर वो 20 लोगों में से दो नहीं भी आएंगे या कोई अच्छा काम कर रहा होगा कोई अच्छा काम नहीं कर रहा होगा तो सुपरवाइजर की सैलरी वही फिक्स है। जी, तो फिर वो वेरिएबल हो जाएगा ना, इसलिए मैंने कहा सुपरवाइजर की सैलरी तो वो फिक्स्ड है, लेकिन हो सकता है कि सुपरवाइजर इस तरह से हम रखते हो कि अगर मजदूर थोड़े और बढ़े तो फिर एक सुपरवाइजर और रखना पड़ेगा, और बढ़ गए फिर एक और, मतलब 20-20, 25-25 मजदूरों के ऊपर फिर एक एक सुपरवाइजर और रखना पड़ रहा होगा। है ये फिक्स्ड, इसको कहते हैं स्टेप्ड, स्टेप्ड कॉस्ट। इसकी और मिसाल देखें, स्टोर किराए पे लिया हुआ है, स्टोर का साल का किराया है 3 लाख रुपए, फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड, लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट ने इस तरह से बंदोबस्त किया हो कि अगर एक खास नंबर ऑफ यूनिट से ज्यादा स्टोर करने पड़ने की जरूरत पड़ गई तो फिर एक पूरा का पूरा स्टोर और किराए पे लेना पड़ेगा। जैसे ये क्लास रूम्स हैं, हो सकता है कि कॉलेज का मॉडल कुछ ऐसे होता कि एक बिल्डिंग में बस कमरे किराए पे लिए जाते, जो कुछ मुल्क हैं उनमें ऐसा होता है मामला कि प्रॉपर कॉलेज बनाने की बजाय कुछ कमरे किराए पे ले लिए जाते हैं। अब अगर किसी सेशन में कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा बन रहे होंगे तो वो कमरा और किराए पे लेना पड़ जाएगा, ज़्यादा सेशन बनेंगे और कमरा किराए पे लेना पड़ जाएगा, इसको स्टेप्ड कॉस्ट कहते हैं, जो बाय नेचर फिक्स्ड है, यानी ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन इसको एक नया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक रेंज तक फिक्स्ड है, उस रेंज से एक्टिविटी और बढ़ेगी तो एक और टुकड़ा साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने सुपरवाइजर की मिसाल दी है, स्टोर की मिसाल दी है, क्लासरूम की मिसाल दी है, मिसाल समझ आ रही है कि नहीं? जाग रहे? तो ये है फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन स्टेप्ड कॉस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें कुछ कुछ पोर्शंस के बाद फिर से एक बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ेगी, फिर एक और बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ेगी, तो वो रेंट होगा फिक्स्ड लेकिन स्टेप्ड होगा। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट ही है लेकिन स्टेप्ड एक इसमें एक और क्लासिफिकेशन कर दी गई। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पॉइंट नंबर 7 के अलावा बाकी आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट 7 छोड़ दें अभी, बाकी कर लें। पॉइंट पढ़ें, सोचें कि आपने क्या इसमें क्लासिफाई किया और पीछे सॉल्यूशन देख लें। पॉइंट लास्ट 7 के अलावा बाकी सब पॉइंट्स कर लें। इन नोट्स में क्वेश्चन नंबर 6 कर ले, मैंने कहा पॉइंट 7 के अलावा।
हाँ जी डन। यस सर। अच्छा मैंने इसमें जनरल सा सवाल पूछा, ये किसी एसेट या किसी डिपार्टमेंट की तो बात नहीं है, आपने वैसी खर्चे का नेचर देखना है। जैसे पॉइंट नंबर वन, सेल्समैन को हम पैसे दे रहे हैं 10,000 पर मंथ प्लस 2 रुपए पर यूनिट सेमी वेरिएबल, मशीन ऑपरेटर को 400 रुपए पर आर वेजेस मिल रही है वेरिएबल है, स्टोर का रेंट इतने यूनिट्स के लिए एक, इतने यूनिट्स के लिए एक और, इतने यूनिट्स के लिए एक और स्टेप्ड कॉस्ट है, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है पर मंथ फिक्स्ड है, डायरेक्ट मटेरियल 20 रुपए पर यूनिट वेरिएबल है, यहां तक कोई एतराज? अच्छा जिन खर्चों पे आपको कंफर्म है कि ये वेरिएबल है वो वेरिएबल है, कंफर्म है कि फिक्स्ड है फिक्स्ड है, जिनमें थोड़ा डाउट है सेमी वेरिएबल है। और ये बेकार का तुक्का नहीं है, वाकई सही है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अगर घर के बिजली का बिल कभी गौर से देखें, अगर यूनिट्स नहीं भी इस्तेमाल हुए फिर भी कुछ ना कुछ चार्ज उसमें डल जाएगा, तो इसका मतलब उसमें कुछ फिक्स पोर्शन भी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये जो यूटिलिटीज़ हैं ये सेमी वेरिएबल होती हैं। हाँ अगर सवाल ऐसा होता ना कि फ्यूल एंड पावर लिखा होता, फ्यूल एंड पावर ये वेरिएबल चीज़ होती है, फ्यूल एंड पावर होती है मशीनरी की हैवी बिजली जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही होती है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी ये पंखे लाइटें होते हैं, ज़्यादा काम हो रहा होगा ज़्यादा देर पंखे लाइटें चलेंगे, नहीं हो रहा होगा फिर भी कुछ ना कुछ बिल आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सेमी वेरिएबल चीज़। और पॉइंट 7 मैंने भी नहीं समझाया, बाकी सारे पॉइंट्स ओके। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, थ्री पे। जी जी वेरिएबल होती, वेरिएबल क्योंकि पैसे बिल पर यूनिट होता। अच्छा ये सवाल एक है, ये भी थोड़ा सा जल्दी सवाल है लेकिन बहरहाल एक सवाल है, इसका जवाब कोशिश करूंगा कि आज ही आ जाए। लेकिन एक सवाल स्टूडेंट ने पूछा है कि ऐसा हो सकता था कि इतने यूनिट्स तक वर्कर काम करेगा तो उसका रेट 700 रुपये पर आर है, थोड़े और यूनिट्स बना देगा तो उसका रेट हम 750 पर आर कर देंगे, और ज़्यादा मेहनत करेगा तो 800 पर आर कर देंगे, यानी मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर वेरिएबल रेट डिफरेंट हो सकता है, हो सकता है, स्टिल वो वेरिएबल चीज़ ही होगी। बिजली का बिल है, पहले 300 यूनिट्स पर ये रेट है, अगले 500 के लिए ये रेट है, ये वेरिएबल है,
है तो रेट पर यूनिट ना, तो वेरिएबल रेट वेरिएबल कॉस्ट स्लैब्स में डिफरेंट हो सकती है। मटेरियल खरीदना है 200 रुपये पर किलो, वेरिएबल चीज़ है फिक्स चीज़ है, वेरिएबल चीज़ है। हो सकता है सप्लायर ने रेट लिस्ट बनाई हो कि अगर 200 किलो तक खरीदोगे तो ये रेट है, इससे ज़्यादा खरीदोगे तो मैं आपको 190 का दूंगा, इससे ज़्यादा खरीदोगे तो 180 का दूंगा। तो ये डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं, वेरिएबल है, है नहीं। स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है, जो बाय नेचर फिक्स कॉस्ट है उसके लिए स्टेप्ड का वर्ड है। एक चीज जो बाय नेचर वेरिएबल है वो डिफरेंट स्लैब्स के लिए डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 पे आए जी। क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी डिस्कस किया है इसमें पॉइंट 1 दोबारा समझ लें। सेल्समैन की सैलरी है 10,000 पर मंथ, कमीशन है 10,000 पर मंथ, यानी इसको महीने के 10,000 तो देने ही देने हैं, तो ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? ये फिक्स्ड है, प्लस उसको कुछ और वेरिएबल पोर्शन भी देना है, तो इस कमीशन के फिर दोनों हिस्से हो गए ना, तो फिर ये सेमी वेरिएबल है। सेल्समैन का काम गुड सेल करना ही है ना, तो 10,000 देना ही देना है, तो ये फिक्स्ड है। लेकिन जो आगे 2 रुपए पर यूनिट है, ये जितने ज्यादा यूनिट सेल करेगा उतने ज्यादा इंटू टू, तो उसकी कमीशन में कुछ वेरिएबल पोर्शन है कुछ फिक्स्ड पोर्शन है। 10,000 पर मंथ फिक्स्ड पोर्शन है, 2 रुपए पर यूनिट वेरिएबल पोर्शन है, इसलिए ये सेमी वेरिएबल है जी। क्या जी? स्टेप फिक्स कॉस्ट ही होती है, यानी उसको स्टेप का नाम ना भी देते तो वह फिक्स कॉस्ट थी, बस उसमें एक स्पेशल क्लास निकाल ली कि वो वाली फिक्स कॉस्ट जो इन टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में होती है उसको स्टेप कॉस्ट कहते हैं। स्टेप कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ही होती है। रेंट वाली मिसाल और रेट जो है, अच्छा इस पे ना मैंने अभी पहले भी कह दिया था, सवाल थोड़ा जल्दी हो गया, इस सवाल को यहाँ ड्रॉप करते हैं, इस पे आगे करूँगा बात चल के। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। इसको पढ़ लें, इसमें 3 कह लें कि कॉलम्स, 3 सिनेरियोज हैं, एक मैं कर रहा हूँ बाकी दोनों फिर आपका होमवर्क है। सवाल पढ़ लें। Thank you.
पढ़ लिया सवाल? मतलब बस क्वेश्चन थ्री पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर थ्री। अच्छा, बड़ी जल्दी पढ़ लिया यार। सवाल में एक गाड़ी की बात हो रही है, बस एक गाड़ी। तो अब उस एक गाड़ी को सामने रखते हुए हमने वेरिएबल फिक्स के फैसले करने हैं। तीन सिनेरियोज बताए हैं। ये कहा है कि अगर गाड़ी पूरे साल में 10,000 किलोमीटर चले तो वेरिएबल फिक्स्ड टोटल बता दें। दूसरा सिनेरियो, अगर गाड़ी पूरा साल 20,000 किलोमीटर चले तो ये तीनों चीज़ें बता दें। और तीसरा सिनेरियो, अगर गाड़ी पूरा साल 30,000 किलोमीटर चले तो ये तीनों चीज़ें बता दें। मतलब तीन सिनेरियोज बना के सवाल पूछा हुआ यही। एक सिनेरियो कर देता हूँ आपके सामने सॉल्व, बाकी फिर आप खुद करेंगे घर से। मैं 10,000 किलोमीटर वाला कर रहा हूं। सबसे पहला खर्चा, तो हम जब वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट बांट रहे हैं तो ये एसेट्स को बांट रहे हैं कि एक्सपेंसेस को? एक्सपेंसेस को, जाग रहे हैं। और जागना सिर्फ खुली आंखें नहीं होता है, दिमाग होश इधर मेरी तरफ है। कॉस्ट ऑफ कार, ये कोई एक्सपेंस है? तो फिर ये क्यों दिया हुआ? डेप्रिसिएशन के लिए। हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो इसके लिए फिर आपको मेथड वगैरह भी पता होगा। क्या मेथड है? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, आर मेथड। अच्छा चले, खामोशी है तो चलो स्ट्रेट लाइन। यूजफुल लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ है 1,00,000 किलोमीटर। तो फिर ये वो आर्स मेथड की तरह की चीज हो गई। मशीन यूज होती है आर्स में, गाड़ी यूज होती है किलोमीटर में, तो ये आर्स मेथड की तरह का लगेगा। लाइफ थोड़ी ईयर्स में थोड़ी बताइए, तो फिर किसे डिवाइड करेंगे? तो ये वो आर्स मेथड की तरह वाला मेथड हो गया। असल में आर्स मेथड तो एक मिसाल है ना, बात होती है यूजेज मेथड। तो इसका यूजेज मेथड है, ये पहचान होगी लाइफ को देख के। लाइफ अगर ईयर्स में बताई होती तो हम जरूर स्ट्रेट लाइन मान लेते। तो लाइफ बताइए 1,00,000 किलोमीटर, ये कहाँ बताइए? हाँ जी, ये जो रेजिडुअल वैल्यू लिखी है ना, सॉल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू एक ही बात है। ये कहा है कि आफ्टर इतने किलोमीटर, तो इसका मतलब वो लाइफ है। रेजिडुअल वैल्यू होती है लाइफ के बाद कितना बच जाएगा, तो फिर इसकी लाइफ 1,00,000 किलोमीटर है। तो ये यूजेज मेथड से डेप्रिशिएट होगा, तो फिर ये वेरिएबल है। कॉस्ट कितनी? आरवी 100। आर्स मेथड में फार्मूला क्या होता है? डिवाइडेड बाय टोटल इनटू जितने इस्तेमाल हुए। ये आर्स मेथड में डेप्शन का फार्मूला ये होता है, कॉस्ट माइनस आरबी डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इनटू जितने आर्स इस्तेमाल हुआ। तो आर्स बस मिसाल है, असल में यूजेज मेथड होता है। तो यहां पर आर्स की जगह किलोमीटर हो गए। वेरिएबल फिक्स्ड, वेरिएबल कितनी? 90,000। आगे मेंटेनेंस कॉस्ट, ये समझ लें। स्टेप कॉस्ट की मैं आपको मिसालें और बताता हूं। स्टेप कॉस्ट को थोड़ा और समझा दूं। इनफैक्ट वही जो पहले मिसालें दी थी उन्हीं को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई एम्प्लॉई फिक्स्ड सैलरी वाला है तो फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स्ड है। अगर कंपनी ने सुपरवाइजर्स हायर किए हुए 30,000 पर मंथ सैलरी वाले, तो ये फिक्स्ड खर्चा है कि वेरिएबल खर्चा है? फिक्स्ड है। अब ये है फिक्स्ड, क्या ऐसी खास बात होगी कि इसको हम स्टेप्ड कह देंगे कि अगर नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स इस तरह से तय हो गए कि हर 20 वर्कर्स के पीछे एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, जैसे ही वर्कर्स की तादाद 22 होगी
एक और सुपरवाइजर लाना पड़ेगा, 25, 26, 30, 35, 36, दो से काम चल जाएगा, 43 तादाद हो जाएगी, तो फिर तीसरा सुपरवाइजर भी लाना पड़ेगा इसको। अब है ये सुपरवाइजर चूंकि 30,000 पर मंथ सैलरी वाला तो है फिक्स्ड, लेकिन जिस तरह से ये हायर हो रहे हैं एकदम से एक और बंदा ऐड हो जाता है, फिर कुछ अरसे तक वही रहता है, फिर एक और ऐड हो जाता है, तो ये स्टेप्ड कहलाएगी। मुझे नहीं लगता मैं समझा पाया हूं। स्टेप्ड कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट ही, लेकिन उसकी नेचर इस तरह से है कि एक खास सेगमेंट के बाद एक और दफा वो कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाती है, तो इसलिए उसको स्टेप्ड कहते हैं, इसलिए इसको स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। एक और मिसाल, स्टोर लिया हुआ है रेंट पे, 5 लाख रुपए पर मंथ रेंट है, ये स्टोर फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख या वेरिएबल कॉस्ट है? ये फिक्स्ड है। अब अगर यही स्टोर का मामला इस तरह से होता कि हमने एक स्टोर 5 लाख किराए पे लेने की बजाय कुछ छोटे छोटे स्टोर्स तय किए होते, हर एक का 1.5 लाख रुपए किराया होगा और ज़रूरत के तहत हम उसको देखते। अब स्टोर का किराया 1.5 लाख है, जितनी हमने चीज़ें स्टोर करनी होती हैं उसके लिए एक स्टोर काफ़ी है, लेकिन अगर कभी सीजन में सामान ज़्यादा आया तो एक और स्टोर लेना पड़ेगा। अब वो जो 1.5 लाख का एक स्टोर था, 1.5 लाख किराए का दूसरा स्टोर है, फिर और सामान आया, तीसरा स्टोर लेना पड़ जाएगा। ये 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख है फिक्स कॉस्ट, लेकिन जिस तरह से ये अरेंज हो रहे हैं ये स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट बन गई। समझ आ रही बात कुछ? ये जो मेंटेनेंस का खर्चा है, सर्विस आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर 6,000 रुपये, ये वेरिएबल है, फिक्स्ड है या स्टेप्ड फिक्स्ड है? स्टेप फिक्स्ड है, वेरिएबल है, वेरिएबल क्यों वेरिएबल है? किलोमीटर की बात हो रही है, आपने कहा था कि स्टेप फिक्स्ड के लिए बात हो रही है, सैलरी हो या किलोमीटर की बात हो रही है, वेरिएबल्स में आते हैं। अच्छा, इस वजह से वेरिएबल। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ये वेरिएबल है। अच्छा चले, मैं इसमें मजीद आपको धोखा देने के लिए, मजीद कंफ्यूज करने के लिए इससे मिलती जुलती एक और मिसाल बना देता हूं। रेंट स्टोर का, स्टोर ए का रेंट है 50,000 और इसमें 8,000 यूनिट्स तक स्टोर हो सकते हैं। अगर स्टोर करने के लिए 8,000 से ऊपर रहने पड़े तो फिर एक और स्टोर लेना पड़ेगा, इसमें भी 8,000 यूनिट्स तक स्टोर हो सकते हैं। अगर इनसे भी बात ऊपर चली गई तो फिर एक और स्टोर लेना पड़ेगा, उसमें भी 8,000 तक स्टोर हो सकते हैं। चले अब क्या आइए, तो अब ये वेरिएबल नहीं है, मैंने यूनिट से लिंक किया है इसको, पीरियड से तो लिंक नहीं किया है। अच्छा, नहीं कंफ्यूज हुए यार, और कंफ्यूज कर देते हैं। गाड़ी की सर्विस करवानी पड़ेगी और वो जो सर्विस करवानी पड़ेगी, एक दफ़ा की सर्विस, चाहे अगले महीने कराएं चाहे 6 महीने बाद करवाएं, एक दफ़ा की सर्विस जो है वो 10,000 कॉस्ट करेगी और ये 5,000 किलोमीटर तक चलेगी बस, उसके बाद फिर दोबारा सर्विस करवानी पड़ेगी। वेरिएबल अभी भी नहीं धोखा खा रहे, ये स्टेप्ड है, बड़े काबिल लोग हैं, अभी भी डाउट है इसमें। हाँ जी, क्यों वेरिएबल है भाई? चले, कंफ्यूज होना शुरू है ना लोग। हाँ भाई, यही चाह रहा था कंफ्यूज करूं आपको पहले। मैं जवाब तो चले मैं देता हूं, लेकिन ये एक स्टेप्ड की मिसाल है, पक्की बात है या कच्ची बात है, लेकिन कच्ची कच्ची सही, लेकिन स्टेप की मिसाल है ना। इसी तरह ये भी, बेशक कुछ लोगों को अब कच्चे पड़ गए हैं, लेकिन स्टेप की मिसाल लग रही है। इसी तरह जो मेंटेनेंस वाला सवाल में पॉइंट लिखा हुआ है
कि हर 5,000 किलोमीटर के लिए 6,000 रुपए की सर्विस कॉस्ट करवानी पड़ेगी। ये भी एक स्टेप का धोखा बहरहाल दे रहा है। अब इसको कोशिश करता हूं क्लियर करने की। अगर 2020 में हमने 7,500 यूनिट स्टोर किए थे, बस ईयर 2020 में, ये नजर आ रहा है बेटे में, ईयर 2020 में अगर हमने बस 7,500 यूनिट स्टोर किए थे तो 2020 में मैं रेंट कितना पड़ा होगा, इसकी जरूरत ही नहीं आई थी। हमने 2020 में बस 50,000 रेंट पड़ा होगा। अब 2021 आया और वो जो 2020 में यूनिट थे वो बेच बूझ दिए। अब 2021 आया, मैंने क्या बोला, 2020 में कितने स्टोर किए थे, 7,000। अब 2021 आया और अब हमने इसमें 2,000 यूनिट स्टोर किए, तो एक और स्टोर लेना पड़ेगा। वो जो पिछले साल का मामला था, पिछले साल का किराया पिछले साल में खत्म हो गया, अगले साल का किराया तय करते हुए स्टोर वाला कहेगा कि आपने पिछले साल भी तो इतने यूनिट स्टोर किए थे, देखा टोटल मिला के 800 ऊपर चले गए, क्या ऐसे किराया लेगा वो? नहीं, रेंट एक चीज ही फॉर द पीरियड है, ये है ही फॉर द पीरियड। अगर किसी साल में थोड़े यूनिट स्टोर हुए तो अगले साल फिर जीरो से गिनती शुरू होगी। देखें, इसने तय किया था कि एक साल में आप इतने यूनिट तक स्टोर कर लें तो मैं आपसे 50,000 किराया लूंगा। अब अगले साल जब किराया लगाएगा तो वो पिछले साल के यूनिट्स भी मिला के दोबारा काउंट करेगा, वो साल खत्म, अगले साल गिनती फिर जीरो से शुरू। तो फिर वाकई ये सिर्फ पीरियड से रिलेटेड चीज थी, हर नया पीरियड फिर से कैलकुलेशन शुरू। लेकिन अगर गाड़ी के 5,000 किलोमीटर के लिए 10,000 सर्विस का खर्चा है, पहले ही साल में गाड़ी 4,800 किलोमीटर चली, गाड़ी 4,800 किलोमीटर चली, अगर फिर से जीरो से शुरू होगा तो 5,000 तक पहुंचेगा तो सर्विस कराएगा नहीं, अब 200 तक ही पहुंचेगा तो सर्विस करा देगा। इसका मतलब है इस खर्चे का ताल्लुक गाड़ी के चलने से है। ये बात कुछ फर्क समझ आ सका? तो ये स्टेप्ड नहीं है, ये वेरिएबल है। तो इस सवाल के अंदर जो मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है कि हर 5,000 किलोमीटर के बाद 6,000 की सर्विस करवानी पड़ती है, तो अब ये चीज पीरियड रिलेटेड नहीं रहेगी। एक साल में अगर 4,900 किलोमीटर चली तो अगले साल में 100 किलोमीटर होते ही सर्विस कराने चले जाएंगे, अगले साल में फिर से गिनती नहीं शुरू हो जाएगी। तो इस खर्चे का ताल्लुक गाड़ी के एक्टिविटी से है, तो इसलिए ये वेरिएबल है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन को क्यों वेरिएबल कहा है? क्योंकि इसका ताल्लुक गाड़ी के चलने से, जैसे जैसे किलोमीटर चलते जाएंगे वैसे वैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनती जाएगी। तो इसी बुनियाद पे ये मेंटेनेंस भी एक वेरिएबल खर्चा है। बिल्कुल, मैं डेप्रिसिएशन के पैटर्न पे कैलकुलेट करूंगा इसको। 6,000 रुपए खर्चा है कितने किलोमीटर के लिए, अब ये बन गया पर किलोमीटर। इसी तरह से टायर्स वगैरह की पार्ट्स की रिप्लेसमेंट है, हर 2,000 किलोमीटर के बाद हमें पार्ट्स चेंज कराने पड़ेंगे, वेरिएबल है। देखें, अगर एक साल में गाड़ी 1,800 किलोमीटर चली है तो अगले साल में बस 200 और चलेगी तो पार्ट रिप्लेस कराने पड़ जाएंगे, अगले साल फिर से नहीं गिनती शुरू हो जाएगी। तो इस खर्चे का ताल्लुक गाड़ी के चलने से है। क्या चीज है? पार्ट रिप्लेसमेंट्स। कितना खर्चा है जी? 2,000। ये 2,000 है? 4,000। आगे व्हीकल का टैक्स पर एनम फिक्स चीज है, लेकिन हम जब फिक्स्ड वेरिएबल की तमीज कर रहे हैं ना, तो ये एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हैं, ये सारा का सारा एक्सपेंस नहीं है।
इसमें से 20% तो रिफंडेबल है, तो वो तो एक एसेट है, तो जो बाकी 80% है वो एक्सपेंसिव। टोटल कितना है? 6000 क्यों किया या फिक्स क्यों लिखा? पूछ क्या रहे हो कि फिक्स क्यों है या 6000 क्यों? सारा व्हीकल पे टोकन टैक्स लग रहा है और वो है पर एनम, यानी सालाना टैक्स है, तो ये वेरिएबल खर्चा है कि फिक्स खर्चा है? फिक्स्ड है, लेकिन हम ये जो वेरिएबल और फिक्स की बात कर रहे हैं ना, ये एक्सपेंसेस की बात होती है, तो ये सारा का सारा टैक्स एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि इसमें से 20% तो रिफंडेबल है, तो वो जो रिफंडेबल है वो हमारा एक रिसीवेबल बन जाएगा, बाकी 80% एक्सपेंस है, तो उस 80% को फिक्स में लिख दिया। आगे इंश्योरेंस पर एनम फिक्स्ड है, कितनी? 36,000। आगे टायर रिप्लेसमेंट पेट्रोल कॉस्ट, ये क्या है जी? वेरिएबल है। अच्छा, अब आपको जो दी हुई है वो दी हुई है 75 रुपये पर लीटर, तो 75 रुपये को मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 75 रुपये पर लीटर इंटू 10,000 किलोमीटर, क्या करें फिर? लिखा हुआ है कि 1 लीटर में गाड़ी 15 किलोमीटर चल जाती है। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 1 लीटर पेट्रोल कितने 75 रुपए का है 1 लीटर, और 1 लीटर में 15 किलोमीटर चल जाती है, तो 1 किलोमीटर कितनी कॉस्ट पड़ती है? 5,000। नहीं समझ आई? 75 रुपए पर लीटर, 15 क्या है? किलोमीटर पर लीटर, इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड, तो पीछे ये चीज बन जाएगी। तो हमें 1 किलोमीटर गाड़ी चलाना 5 रुपए कॉस्ट करता है, तो फिर 10,000 चलाना कितना कॉस्ट करेगा? 50। चाहे ऐसे कर लें और चाहे ऐसे कर लें कि 10,000 किलोमीटर चलनी है गाड़ी, 15 क्या है? 1 लीटर में 15 किलोमीटर चल जाएगी, तो फिर 10,000 किलोमीटर के लिए कितने लीटर चाहिए होंगे? देखें, 1 लीटर में 15 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो अगर 10,000 किलोमीटर चलाना है तो कितना पेट्रोल डलवाना पड़ेगा? 1 लीटर में 15 किलोमीटर चल जाती है, तो 10,000 किलोमीटर के लिए कितने लीटर डलवाना पड़ेगा? 10 / 15 करेंगे ना। अच्छा, वो ये चीज बन जाएगी। चले, अब ये क्या चीज होगी? इतने लीटर पेट्रोल डलेगा और 75 रुपए का 1 लीटर है, तो दिस इंटू 75 रुपए, कितना जी? ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। और लास्ट टायर रिप्लेसमेंट, हर 25,000 किलोमीटर में टायर रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये भी चलने से रिलेटेड हो गया, ये भी वेरिएबल है। हाँ जी, अभी 10,000 ही चला है, लेकिन ये चीज क्या बाय नेचर फिक्स्ड है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, क्योंकि अभी 10,000 किलोमीटर चला है, अगले साल 25,000 की गिनती फिर से जीरो से शुरू हो जाएगी,
नहीं तो पिछले 10,000 काउंट होंगे, तो ये गाड़ी के चलने से रिलेटेड है। कितनी कॉस्ट है? 20,000 डिवाइडेड बाय 25,000, यानी पर किलोमीटर इतना खर्चा इनटू 10,000। रिक्वायरमेंट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, और अगली रिक्वायरमेंट क्या है? इन्हीं का पर यूनिट। तो इसको भी 10,000 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी 10,000 से डिवाइड कर लेंगे और टोटल को भी 10,000 से डिवाइड कर लेंगे। टोटल पूछा है ना, ये टोटल आ गया। अब कहा है इनका पर किलोमीटर भी बताएं, तो डिवाइड बाय 10,000 करेंगे, इसको भी और टोटल को भी। ये है रिक्वायरमेंट, ये मैंने कर दिया, बाकी दो सिनेरियो आपका होमवर्क है जी। अच्छा अभी क्लास चल रही है, ये इख्तितामी कलमात नहीं थे, क्लास चल रही है अभी। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो सर्विस है, हो सकता है ये गाड़ी का पहला साल हो और पहले साल में गाड़ी सिर्फ अभी 4,000 किलोमीटर चली हो, तो फिर सर्विस की कॉस्ट भी नहीं आएगी क्योंकि सर्विस तो नहीं हुई। और आपको ये भी नहीं पता कि गाड़ी का पहला साल है, पता है क्या? नहीं। क्या पता पहली 37,000 किलोमीटर चली हुई थी। बात हो रही है कि बाय नेचर ये खर्चे क्या हैं, हमें नहीं पता गाड़ी का पहला साल है, हमें गाड़ी का पहला साल नहीं पता। और ये भी नहीं कहा कि आप असली P&L बनाएं, फिर तो हम कह सकते हैं कि एक चीज जो भी इनकर ही नहीं हुई तो उसको हम रिकॉर्ड क्यों करें। ना इसमें कहीं इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा है। आपकी बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि खर्चा जो अभी हुआ ही नहीं है तो उसको रिकॉर्ड क्यों करें। तो हम इनकम स्टेटमेंट थोड़ी बना रहे हैं, हम डेबिट क्रेडिट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ नेचर देखते हुए फैसला कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा वेरिएबल खर्चा है, कौन सा फिक्स खर्चा है। इसको बाकी दोनों सिनेरियोज भी करेंगे ना, इसमें अगर फिर कुछ कच्चा कच्चा रह गया हो तो कल दोबारा ये बात, परसों ये बात दोबारा समझा दूंगा इंशाल्लाह, अगर कुछ कच्चा कच्चा रह गया। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल और होमवर्क, वो है क्वेश्चन 7। इसी का दूसरा पार्ट है जी। जी हाँ जी, ये टोटल निकल आया, ये टोटल्स किस एक्टिविटी के लिए? 10,000 किलोमीटर के लिए। तो पर किलोमीटर करना है तो क्या करें, 10,000 से डिवाइड कर लेंगे। क्वेश्चन 3 पूरा करना है और 7 कहा है करने को। हाँ जी 7 और 3 ये करना है। बैठे बैठे अभी चल रही है क्लास। जी जी पिछले साल में, हाँ जी पिछले साल में अगर हमारा 7,000 स्टॉक भी था, लेकिन हमारा 1,000 स्टॉक पिछले साल का जो स्टॉक है भी जाते ना, तो आगे इस साल में, लेकिन वो किराया तो अगले साल अब नए सिरे से ही लेना शुरू करेगा ना। ये तो नहीं करेगा ना कि चूंकि पिछले साल भी आपने कुछ यूनिट स्टोर किए थे तो मैं उनको भी मिला के देखूंगा 8,000 हैं कि नहीं। अगर कुछ बचे रह जाएं तो वो 2021 में ही होंगे जो पड़े हुए होंगे। देखें पिछले साल 6,000 यूनिट्स पड़े हुए थे, उन 9,000 यूनिट्स पड़े हुए थे, उनमें से अब 800 बचे रह गए, तो वो 800 ने अगला सफ़र फिर शुरू कर दिया। पिछले 9,000 तो दोबारा नहीं गिने जाएंगे ना। हाँ अब वो अगले साल भी पड़े रह गए, वो अगले साल का मसला है कि अगले साल भी 8,000 पड़े रह गए। अगर उनमें से 800 पड़े रह गए होते तो फिर वो किराया गिनते हुए ये तो नहीं कहता ना जी 8,000 पिछली दफा भी थे, वो पुरानी बात हो गई। हाँ जितने पड़े रह गए उनका अब नया सफर अगले साल शुरू हो गया। यार मुझे कोई शौक नहीं है इसको पीटने का, इसका मतलब सिग्नल है कि चुप कर जाए, मैं भी क्लास में मौजूद हूँ, हौसला सब्र। सवाल लिखें, लिखें सवाल लिखें।
टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ, टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ टू फोर्टी फाइव थाउजेंड, 245,000, लेबर वर्क्ड फॉर 4500 आवर्स। जी, इसी में मतलब सवाल एक ही वन गो में ही सारा। लेबर वर्क्ड फॉर 4500 आवर्स इन दैट मंथ। टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स, ये एक ही बात चल रही है, मतलब ये मुख्तलिफ पॉइंट्स नहीं है, ये एक ही बात हो रही है। टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स फिक्स्ड लेबर कॉस्ट ऑफ 20,000 पर मंथ, फिक्स्ड लेबर कॉस्ट ऑफ 20,000 पर मंथ आपसे रिक्वायर्ड है अभी वेज रेट पर आर। लेबर का वेज रेट पर आर बता दें। जी, ये सारा मंथ का ही डाटा है ना, ये सारा मंथ का ही डाटा है। मैंने पूछा है वेज रेट पर आर, हाँ जी, कितना? 50 पर आर, क्योंकि 245,000 में फिक्स्ड भी शामिल है। और कल आपको ये चीज बताई थी कि टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलके बनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फिर ये भी बताया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे निकलेगी के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स। ये कल दो बातें मैंने आपको बताई थी, और ये कैलकुलेशन में लाए भी। अगर इसी चीज को इसी में फिट कर दें तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स। इस चीज को इस शक्ल में भी लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें ये क्या है टोटल कॉस्ट, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये टोटल यूनिट्स। तो मैंने अभी सवाल में आपको 245,000 बताया, 20,000 बताया, 4500 बताया, ये फाइंड करना था, ये किया है अभी। ये बताया था 245, ये 20,000 बताया है, और ये 4500 बताया। तो इस सवाल में हमने एक्चुअली बी फाइंड करना था। अब यहां से आगे इंशाल्लाह कल परसों में इसको आगे बढ़ाता हूँ। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।